राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है शाम से स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अच्छा है और इस वीडियो में आप लोग को कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो जो लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे उन्हें ही पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या अलग देखने को मिलेगा। और उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पे देखिए प्रीति जो है पूजा करने में लग गई है। ये जल्दी जल्दी पूजा कर रही है क्योंकि इसे कहीं जाना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये चना है जो मौसी हमारी भिजवाई थी। भैया गए थे अमृता और मम्मी को लेकर, तो मौसी के यहाँ चना बहुत ज़्यादा ही था तो वही भेजी थी। तो देखिए आज ये चना जो है भुजाने के लिए जा रहा है। तो इसमें कुछ चना पीले हो गए और कुछ हरे हैं, तो उसमें से दीदी जो है पीले वाले अलग कर देंगी और हरे वाले भुनेंगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस चने को कैसे भुना जा रहा है। तो पापा दो लकड़ी लेकर बैठे हुए हैं और उसके ऊपर से चना रख दिए हैं दीदी हरा वाला, और नीचे से आग जला रही हैं। इसे भुनने में तो मेहनत लगता है लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जो लोग गांव में रहे होंगे उन्हें पता होगा कि इस चने को कैसे भुना जाता है और खाने में कैसे लगता है, और कुछ लोग शहर के भी होंगे तो उन्हें ज़्यादा नहीं पता होगा। तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं कैसे चने को भुना जाता है। तो ऐसे ही नीचे से आग जलाया जाता है और ऊपर चना रख दिया जाता है और चना भुना भुना कर नीचे टूट टूट गिरता है, ऐसे ही इस चने को भुना जाता है। इसे हम लोग जो है ओराहा कहते हैं, कुछ लोग और भी कुछ कहते होंगे तो हमें नहीं पता होगा। तो देखिए दोस्तों ये चना जो है भुना गया है और कुछ और बचे हुए हैं। तो दीदी ऐसे ही बारी बारी से उस लकड़ी के ऊपर रखेंगे और पापा देखिए लकड़ी पकड़ कर बैठे हुए हैं। इसे भूनने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है लेकिन खाने में बहुत ही अच्छा भी लगता है। जिनके घर नहीं रहता है तो रिलेशन में से आ जाता है। तो हमारे घर था लेकिन उतना नहीं था, तो मौसी के घर बहुत ज़्यादा ही था। तो मौसी भिजवा दी थी भैया से और बाहर जो है भुना रहा है। और अंदर आती हूँ मैं देखती हूँ तो किचन में देखिए खाना बन रहा है। छोटी वाली भाभी बना रही हैं रोटियाँ और सब्जी चावल बना चुकी हैं। बड़ी वाली भाभी दोनों लोग मिलकर ही खाना बनाती हैं। तो देखिए सब्जी चावल बन चुका है, एक तरफ रोटियाँ बन रही है और फिर लोग है आपस में बात भी कर रहे हैं, ऐसे ही मिल कर करवाते हैं। और खाना बनता है तो खाना बहुत ही जल्दी होता है, तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं। दोस्तों हमारा जो है सब्जी चावल बन चुका है और इधर रोटियां बन रही हैं। और आप लोग को पता ही होगा कि हमारे घर डेली जो है शाम के समय सब्जी चावल रोटी बनती, तो वही आज भी बना है। और उसके बाद बाहर देखिए चलिए चना जो है भुना चुका है, थोड़ा और बहुत और बचा हुआ है तो उसे भी दीदी भून देंगी। और उसके बाद जो पीला वाला था तो उससे अलग कर दें, बोल रही थी कि ये नहीं भुनाएगा और इसे सुखवा देंगे। तो देखिए सारा हरा वाला चना भुना चुका है और उसके बाद आग को फैला दिया जाता है। अगर आग को नहीं फैलाएंगे तो ये चना जो है सारा उसी में जल जाएगा और इसे जो है जल्दी से निकालना पड़ेगा और सूप के सारे ही फटकारना पड़ेगा। तो दीदी जो है आग को भी बुझाने में लगी हुई, थोड़ा बहुत कह रही जल्दी से बुझ जाएगा तो जल्दी से फटकार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फटकारना भी शुरू कर दी। तो दोस्तों देखिए हमारा चना भुना चुका है, आइए आप लोग भी खा लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये चना कैसा लगता है। हम लोग को ये चना बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे घर में सारे लोग इसे बहुत ही मन से खाते हैं। मौसी को पता था कि इसलिए जो है मौसी भिजवा दी थी, वरना हम लोग के खेत में ज़्यादा नहीं बोया गया था, थोड़ा सा ही बोया गया था। वही आप लोगों ने देखा होगा कि एक दो दिन ही मम्मी जो है लेकर आई थी और वो अभी नहीं भुनाया था, थोड़ा बहुत ही भुनाया था, वो भी आग में हम लोग जला कर भून रहे थे चूल्हे के पास। और आज लेकिन है जो बहुत ज़्यादा ही था तो इसलिए बाहर भुना रहा था। और देखिए भुना गया और उसके बाद दीदी जो है पापा के लिए इस ओखली में कूट कर बना रही हैं क्योंकि पापा जो है वैसे खा नहीं पाते हैं। तो पापा जो है मर्चा और लहसुन भी इसमें ऐड करवा दी हैं और नमक में साथ में, तो ये ऐसे खाने में और भी टेस्टी लगता है।
तो हमारे घर कुछ भी चना वना रहता है तो पापा को ऐसे ही दिया जाता है और पापा ऐसे ही खाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये मौसी के यहाँ का क्लिप है, तो अमृता और मम्मी गए थे खेत, तो अमृता बता रही थी कि मौसी के यहाँ गुड़ बन रहा है, तो गन्ना जो है छिला कर रख दिया गया है पहले से ही। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि भेली जो है पहले ही दिन बन गया था और थोड़ा सा गन्ना बच गया था, तो उसका जो है आज गुड़ बनेगा, तो अमृता बता रही थी। तो गन्ना छिला गया और उसके बाद अमृता और मम्मी खेत घर के लिए चल देते हैं और मौसा अभी खेत में ही है क्योंकि कुछ काम है उन्हें। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। रात के बज रहे 8, अभी तक मौसी आग बनवा कर नहीं आई है। मैं और अम्मी हूँ घर में। कैसा लग रहा है अम्मी? बढ़िया है, ना निकला बता। यहाँ पे देखिए मैं खाना बना रही हूँ, सब्जी बन रही है और चावल और रोटी हो गई, उधर रख दी हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ। रुकिए तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, रोटी बन चुकी है, मैंने रोटी बना के रख दिया है। ये है चावल, मैंने चावल और रोटी बना चुकी हूँ, अब बन रही है मेरी सब्जी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं सब्जी बना रही हूँ, कैसी लग रही है सब्जी आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा। तो मेरी सब्जी आप लोग को कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पहली बार सब्जी बना रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अमृता जो है मौसी के यहाँ अकेले ही खाना बना रही है और वह पहली बार ही बना रही है, तो आप लोग को अमृता का खाना कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद देखिए हम सारे लोग मंदिर पे आ जाते हैं क्योंकि हमारे मंदिर पे भागवत कथा हो रहा है, तो इसलिए सारे लोग यहीं पे आए हुए हैं। तो दोस्तों आइए आप लोग भी सुन लीजिए और इन्जॉय कीजिए कि हमारे यहाँ कैसे भागवत कथा होता है। दोस्तों देखिए मैं अपने मंदिर पे आ चुकी हूँ और साथ में चाची की लड़की भी आई है, तो अब हम सारे लोग जा रहे हैं पंडाल में जहाँ पे भागवत कथा हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, उन सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे छोटे बच्चों को। और यहाँ पे देखिए महिलाएँ एक साइड बैठी हुई हैं और पुरुष एक साइड बैठे हुए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ पंडाल में भागवत कथा सुनने के लिए। तो आइए दोस्तों आप लोग भी सुन लीजिए। कल कहा था आपको अगर कोई चीज समझनी है तो अपना स्तर थोड़ा बढ़ाइए, गांव घर से निकलकर ब्लॉक स्तर पर, वहां से निकलकर जिला स्तर पर, वहां से। तो दोस्तों मैं भी पंडाल में आ चुकी हूँ और बैठ चुकी हूँ और उसके बाद गुरुजी जो है अपना प्रवचन सुना रहे हैं। और ये हमारे यहाँ जो है हर साल होता है और ये अप्रैल के महीने में ही होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 7 अप्रैल तक, और ये कथा जो है सुबह शाम दोनों टाइम होता है। तो दोस्तों आप लोग को मैं डेली सुनाऊँगी, आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए आप लोग भी भागवत कथा सुन लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा हमारे यहाँ का भागवत कथा। अच्छा परमात्मा तो एक ही है, तो क्या किसी के पास है भी कि सब ऐसे छुच्छे हैं? और इसका निर्णय कैसे होगा, कैसे पता लगेगा कि किसका अच्छा? हम अच्छा कैसे जानेंगे? हम न सतगुरु है न परमात्मा है न मेरे पास इतनी बुद्धि है, पता कैसे लगेगा? हम यदि सच्चा को पकड़े नहीं तो हम भी कैसे अच्छा, हमारा साधन कैसे अच्छा? जो बहुत पढ़े लिखे लोग इस बात के लेके भाग जाते हैं धर्म में, सब जाहिल जपाट जुटते हैं, इकट्ठा होते हैं आस्था श्रद्धा वाले, क्या किसी ICS PCS को
किसी डीएम को, किसी वैज्ञानिक को कथा क्यों नहीं अच्छी लगती? ये समस्या जो मैं अभी आपके सामने लाया, उनके सामने खड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी तेज है। एक ही सवाल मैथमेटिक्स में, गणित में एक ही सवाल एक सूत्र से लगाया जाता है, वो सूत्र सब विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, लेकिन सभी विद्यार्थी उसी सूत्र से उस सवाल को नहीं लगा पाते, क्योंकि सूत्र के बाद ही सवाल लगेगा कैसे, प्रश्न के बाद ही अंदर से एक बुद्धि होती है। तो दोस्तों आप लोग मुझे देख सकते हैं, मैं आगे आकर बैठ गई हूँ और यहाँ से बहुत ही अच्छा से भागवत कथा सुना रहा है, और उसके बाद गुरुजी जो है गाना सुनाएंगे, तो आइए आप लोग भी सुन लीजिए। सब ही प्रमाण वेद शास्त्र वैस दे ला के पूरा के भजन लंबा है इसलिए धुन बदल दीजिए। बिना मंत्र वाले होंगे, बिना मंत्र वाले कितने लोग हैं? बिना मंत्र वाले और सब लोग पढ़ा नहीं, मंत्र में दूसरी चौपाई में श्यामा जी वर सत्य हैं सदा सत सुख के दाता। क्या राधा राधा कहने वालों ने कभी बुद्धि लगाई कि प्राणनाथ जी को राधा शब्द नहीं आ रहा था क्या? राधा जी वर सत्य हैं लिखने में उनको शर्म लग रहा था। देव भगवान पर मत मत उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए छोटा सा बाबू है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये इनके घर का ही है जिनके घर कथा बैठा हुआ है, और ये मेरे बाबू की उम्र का ही है। तो देखिए ये कैसे मस्ती कर रहा है, अगर मेरा बाबू भी यहाँ पे आया होता तो वो भी मस्ती करता, लेकिन क्या करें बाबू की तबीयत जो है फिर से ख़राब हो गई है, तो इसलिए हम लोग बाबू को नहीं लेकर आ रहे हैं। जब ठीक हो जाएगा तो बाबू ज़रूर आएगा यहाँ पर। और देखिए छोटा बाबू कैसे मस्ती कर रहा है, और ये मस्ती करते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग को ये बाबू कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज रावण की पूजा होती है कहाँ? लंका में। तो दोस्तों
देखिए भागवत कथा हो गया है और उसके बाद आरती शुरू हो गई है, तो आइए आप लोग भी आरती कर लीजिए। तो यहाँ पे ऐसे ही सारे लोग बारी बारी से आरती करेंगे। भागवत कथा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो है एक हफ्ते लगातार होगा और दो तीन दिन बाद आप लोग को कुछ अलग देखने को मिलेगा, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में डेली बने रहिएगा, क्योंकि दो तीन दिन बाद जो है झांकियों की आएगी और सारे लोग डांस भी करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो में लगातार बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को डेली कुछ नया नया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पूजा वूजा हो चुका है, तो प्रसाद मिलना भी शुरू हो गया है। तो एक तरफ आरती भी हो रही है, एक तरफ प्रसाद भी मिल रहा है, तो मुझे भी मिल गया है। तो दोस्तों आइए आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। और उसके बाद देखिए कुछ महिलाएं और पुरुष भी डांस कर रहे हैं, तो आप लोग को इनका डांस कैसा लगा बताइएगा। दोस्तों हम लोग जो है पूजा वूजा सुन चुके हैं, प्रसाद भी ले चुके हैं और उसके बाद घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो देखिए दीदी उदी आगे चल रही हैं और पीछे से मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे हमारा मंदिर है, तो आप लोग को हमारा मंदिर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो भी बताइएगा। और यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।